माँ माँ भूख लगी है, खाना दो। सुशीला अपने बच्चों को खाना परोसती है। तभी दुखी सुदामा घर लौटता है और देखता है खाने के लिए अन्न नहीं है और वह चिंतित हो जाता है। स्वामी, मैं जानती हूँ आप परेशान हैं। आज दान में ज्यादा कुछ नहीं मिला। मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूँ? भगवान श्री कृष्ण आपके मित्र है ना, आप उनसे मदद क्यों नहीं मांगते? अगर आप द्वारका जाएंगे तो वो आपकी पूरी सहायता करेंगे, मुझे विश्वास है। मुझे उनकी कोई सहायता नहीं चाहिए। पर स्वामी, भगवान ने हमें जो कुछ दिया मैं उसमें संतुष्ट हूँ। रहने के लिए घर नहीं है क्या? खाने के लिए भोजन नहीं है क्या? है, पर पेट भर नहीं है। मुझे कोई कमी नहीं दिखती। रुपया आप द्वारका जाइए, मैं इस हालत में आपको देख नहीं सकती। ठीक है, मैं द्वारका जाऊँगा, कम से कम भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन तो कर लूँगा। हाँ, यही सही है। किंतु मैं उनके पास कुछ भी नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं ही उनके लिए कुछ लेके जाऊंगा, क्योंकि मित्र के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते। लेकिन मैं क्या लेके जाऊँ, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अब क्या करें, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हाँ, हम क्या करें। रुके रुके, मैं अभी आई हूँ। सुदामा इधर उधर टहलते है। देखिए, चार रोटी पोहा मिला है, लीजिए। तो सुदामा पोहे की पोटली बांधकर अपने मित्र द्वारकाधीश से मिलने निकलता है। लगता है आपके साथ कोई अन्याय हुआ है। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो, किधर पे सुदामा राजमहल के द्वार पर एक ब्राह्मण देवता आए हैं और आपसे मिलने की अनुमति मांग रहे हैं। ब्राह्मण देवता को हमसे मिलने की अनुमति क्यों? वे हमसे कभी भी मिल सकते हैं। किंतु वह पागल लग रहा है। क्यों? वो कह रहा है कि वो आपका मित्र है। क्या नाम बताया उसने? उसका नाम सुदामा। हाँ, सुदामा। सुदामा सुदामा कहकर कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े जाते हैं, अंग वस्त्र नीचे गिर जाते हैं। एक
फिर कृष्ण भगवान सुदामा के चरण धोते और अपने अंग वस्त्र से पहुंचते हैं। वहां खड़ी दासियां रुक्मणी देख के दंग रह जाती है। सुदामा मन में सोचते ऐसी तुच्छ वस्तु में कृष्ण को कैसे दे सकता हूँ। श्री कृष्ण भगवान सुदामा से पोहे की पोटली छीनते हैं। रुक्मणी कृष्ण के हाथ से पोहा छीनती है और खाती है। फिर सुदामा आराम करने कक्ष में जाते हैं। दूसरी तरफ भगवान कृष्ण विश्वकर्मा जी को बुलाते हैं। विश्वकर्मा जी को बुलाओ। सुदामा ने सारी रात भगवान श्री कृष्ण के महल में बिताई। दूसरे दिन सुबह वह घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में वह सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के विचारों में डूबे हुए थे। उनके भगवान श्री कृष्ण से भेंट हुई ये सोचकर बहुत आनंदित थे। श्री कृष्ण ने मुझे आलिंगन दिया, रुक्मणी देवी ने मेरी सेवा की, किंतु कृष्ण ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। जबकि उन्हें पता था कि मैं दरिद्रता से पीड़ित हूँ, फिर भी। ऐसा सोचते सोचते सुदामा अपने घर की ओर चल दिया। घर जाकर देखा तो सब कुछ बदल गया था। उनकी कुटिया की जगह एक सुंदर महल था। अरे ये सब क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? मैं तो हमेशा से गरीब था, ये सब मेरे मित्र भगवान श्री कृष्ण ने किया है। भगवान भक्त के हृदय को जानते हैं। मैंने तो सिर्फ एक मूर्ति खोआ दिया था, उसके बदले में उन्होंने मुझे ऐसा ईश्वर दिया जो स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र से भी अधिक है। का सारा चह है कि दोस्ती को भी उतना महत्व दो जितना बाकी रिश्ते को देते हैं। दोस्ती से बड़ा अनमोल रत्न कोई नहीं है।